That's it. Bas, that's done. It. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और यहाँ आने का जो सबब है कि जिस तरह का भावनात्मक संबंध है प्रिथा और श्रीमती स्मृति, उनकी जो बड़ी बहन है, उनके साथ और उस पूरे परिवार के साथ वो इतना इमोशनल बॉन्ड है कि तबीयत ठीक करनी पड़ी यहाँ पर आने के लिए। क्या बात है, आपकी तबीयत अच्छी है। सो आई एम हियर टू प्रमोट एंड सपोर्ट जो भी प्रिथा और प्रिथा का परिवार, प्रिथा के जो पति हैं राजेश, वो हमारे भी म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके हैं, हमारे प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो दीदी हैं जिनको आपने अभी सुना गाते हुए, ये उनके पैशन, उनकी कलाकारी, उनकी क्रिएटिविटी का नतीजा है जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को प्रिथा मजूमदार जैसी सिंगर और कलाकार। देखिए बात ऐसी है कि स्टारडम अपनी जगह के ऊपर है और कलाकारी अपनी जगह के ऊपर है। क्या बात है। और हमारा जो देश है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि कलाकारी और स्टारडम, सफलता और प्रतिभा, टैलेंट एंड सक्सेस हमेशा साथ साथ चलें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ ये देखा गया है कि टैलेंट और सक्सेस अगर किसी एक व्यक्ति में मिल जाते हैं आपको, अभी पिछले साल चली गई ना, टैलेंट भी था और सक्सेस भी थी। अगर लता मंगेशकर या आशा भोसले में अभी एक और बची है तो हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की जो दो सूर्य हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य एक चंद्रा है और एक सन है, एक मून है, नहीं, दोनों प्लेबैक सिंगिंग के सूरज हैं। एक सूरज अस्त हो गया, एक अभी बाकी है। इस साल वो सूर्य 90 साल का हो जाएगा 8 सितंबर को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि टैलेंट भी है और अपार टैलेंट है और अपार सक्सेस है, ये रेयर फिनोमेना है, ये रेयर है, हर एक के अंदर नहीं मिलता है। इन सब बातों को कहने का सबब यही है कि प्रिथा के अंदर जो टैलेंट है वो हर एक के अंदर नहीं है। ये तो मैं चैलेंज करता हूं। अच्छी बात बोली, वाह वाह, आप समझे, उसको जहां होना चाहिए था ठीक है, नहीं पहुंच पाए, जो बहुत आगे बढ़ गए उन्होंने क्या उखाड़ लिया यार आप समझे ना। लेकिन इस बच्ची के लिए इतना बोलता हूं, आप अपना स्टारडम सामने से हटाओ अपने अंदर से और फिर अखाड़े में आओ, फिर बात करते हैं। स्टारडम हटाओ ना अपना। मैं अक्सर एक बात जब एड्रेस करता हूं यंगस्टर्स को तो बोलता हूं कि आप तस्वीरें देखते होंगे, फोटो देखते होंगे राजा महाराजाओं की, हाथ में बंदूक है और नीचे एक मरे हुए शेर की लाश पड़ी है, उसके ऊपर टांगे ऊपर करके खड़े हुए। अबे मर्द का बच्चा है तो बंदूक हटा, शेर सामने खड़ा और हम सामने खड़े, फिर आया ना भाई, फिर बात तब तो समझेंगे मर्द का बच्चा है। वो शेर दहाड़ रहा है, तुमने साला दो बोर की बंदूक लेके उसको मार दिया और लाश के ऊपर अपनी बहादुरी बता रहे हो, जो मरा हुआ है, जो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो कोई बहादुरी नहीं है, उसको मर्दानगी भी नहीं बोलते। बहादुरी वो है कि तुम अपना स्टारडम के जितने भी तमगे हैं उतारो और कलाकार के रूप में सामने आओ, फिर देखेंगे। तो ये बच्ची जो है, इसकी आवाज़ के अंदर
ये जो बैठी हुई हैं हमारी बहन, ये आपको ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कहते हैं आपको कि मैं, देखिए मैं गाना सीख रही हूँ, ठीक है, और मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ, आपके अंदर एक कलाकार के कुछ कीटाणु होंगे, जर्म्स होंगे, और एक सही गुरु, सही इंस्टीट्यूशन, सही म्यूजिक डायरेक्टर, सही माहौल, सही ट्रेनिंग उनको कल्टीवेट करके आपको आपकी कलाकारी को निखार देती है। लेकिन आप किसी कूड़ को और गधे को सिंगर नहीं बना सकते हैं, आप मेरी बात समझे? और अगर कोई ये कहने को तैयार हो तो मैं अपना सारी जिंदगी की जो कमाई है वो सब देने को, अपनी कलाकारी छोड़ने को तैयार हूं कि मैंने एक गधे को कलाकार बना दिया। कोई गधा कलाकार नहीं हो सकता है, वो कलाकार जन्मजात होता है। और सही एटमॉस्फेयर मिलने पर, सही गुरु मिलने पर, सही ट्रेनिंग मिलने पर, सही जगह मिलने के ऊपर उसके अंदर की जो सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी, वो खिल के, उसकी फसल खिल के सामने आ जाती है। तो ध्यान रखे, कोई अगर आपसे कहे मैं सिंगर बनना चाहती हूँ तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैंने वहाँ बहुत सालों के अंदर बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो, और ये जो फील्ड है स्पेशली फिल्म का जो संगीत है, समय के साथ साथ लोगों का चुनाव, लोगों की लाइकिंग चेंज होती है, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज के बच्चे से अगर आप पूछेंगे किसी पुराने ज़माने की सिंगर के बारे में तो शायद वो ना बता पाए, उसको पुराना जो गाना है उसको शायद वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए। रफी साहब को लोग बोलने लगे। हाँ, मतलब अभी तो ये हो गया कि मेरे से एक बरसों पहले, इस बात को भी जो मैं बताने जा रहा हूँ, 15 साल हो गए हैं कि एक गाना बज रहा था लता मंगेशकर का, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ठीक है, तो वो अनुराधा ने गा दिया होगा गाना। तो नहीं गाएगी वो, तो गाएगी होती तो यही तो कर करके उसको, उसकी किस्मत उसके साथ है भाई। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि, और गाना बज रहा था लता मंगेशकर का, तो उसने कहा कि अनु जी ये अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है, ये लता, ये कौन सिंगर है? मैंने कहा लता मंगेशकर। कहने अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है? हाँ भाई ठीक है, उसके उसके बाप रे बाप। नहीं, आपको बाप रे बाप रे लग रहा है, उसको लग रहा था ये लता मंगेशकर कॉपी क्यों कर रही है, अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है भाई? है आप शब्बी कुर्मा या सोनू निगम को बोल सकते हैं, अरे यार ये मोहम्मद रफी इसकी, इन दोनों की कॉपी क्यों कर रहा है यार, नकल नकल ची क्यों बन रहा है? सोनू निगम को देख कितना कमाल का गाता है, मोहम्मद रफी तू क्या कर रहा है? समय समय की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, सब कुछ चेंज हो जाता है ना। पहले आपने देखा, पहले की जो हीरोइन थी ना, यही गाने रचते थे ना, वो क्या कहते, क्या इतना बढ़िया, मदहोश दिल की धड़कन चिपसी ये तन्हाई। अब वो टाइम जो 90s के गाना है आपका, हाँ। कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है, ताली बजाओ यार। उसमें थोड़ा सा हीरोइन शर्मा रही है, शर्म उसके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर अच्छी लग रही है, कंपोजिशन उसको सपोर्ट कर रही है। गीत किसने लिखा है? बख्शी, आनंद बख्शी ने लिखा। तो गीत के जो बोल हैं सपोर्ट कर रहे हैं, साहित्य लग रहा है वो, है ना, साहित्य लग रहा है, ऐसा अच्छी कविता लग रही है, और फैंटेस्टिक कंपोजिशन है। आपने कभी सुनोगे तो मास्टर, ये गुजरे हुए 20-25 साल की जो बेहतरीन कुछ, मतलब नायाब धुने हैं, जो आप अगले 50 साल बाद सुनोगे तब भी फ्रेश बनी रहेगी, उनमें से एक कंपोजिशन। तो वो जो हीरोइन जो है वो शर्माती हुई अच्छी लग रही है, आप समझ रहे हैं? मधोश दिल की ये क्या है, छिप गया चांद, अच्छा लग रही है। लेकिन समय बदल गया है, अब अगर बहन मल्लिका शेरावत शर्माएंगी तो वो कैसे अच्छी लगेगी भाई? उनका काम शर्माना नहीं है। तू शर्म वरम छोड़, खोल। सीधी सिंपल सी बात है, तो समय के साथ साथ, और आप भी बोर हो जाओगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बहन सनी लियोनी और बहन मल्लिका शेरावत, सलामत रहें, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो ऐसा नहीं है, ये है, समय बदल गया है। बल्कि अगर तुम ढकी छुपी रहोगी तो जनता चली जाएगी ना, ना ना
आजकल तो जोक बनने लगे, कहने लगे यार आजकल तो मतलब किस्मत इतनी ख़राब है, आजकल लक जो है ना इतना ख़राब चल रहा है, बाय गॉड सपनों में सनी लियोनी भी साड़ी पहन के आती है। तो समय के साथ साथ सारे मूल्य, सारे नज़रिए, आपका सारा परसेप्शन चेंज होने लगता है। चेंज होने लगता है बात। तो ऐसा नहीं कि आज का गाना ख़राब है, हो सकता है आज के 15 साल के बाद हमारा जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कहें कि यार ये कौन सा गाना गा रहे हैं अभी, कौन है आपके जो भी सिंगर है। मैं तो ना फिल्में देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना समाचार पत्र पढ़ता हूँ, ना न्यूज़ चैनल, तो मैं बहुत बोरिंग किस्म का आदमी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 15 साल के बाद के जो 15 साल बाद बच्चे जो हैं वो शायद आज का गाना उनको लगे ये आउटडेटेड गाना है। आपने सुना कहा नहीं, एक सिक टर्म है, सिक मतलब सिक है, मतलब तबीयत ख़राब है। सर अभी इसका बच्चों का मतलब चेंज हो गया, जो अच्छी चीज़ है, हाउ इज दैट सिक, मतलब बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, सो ऐसे ऐसे में इन लोगों ने जतन किया, प्रयास किया और यहाँ पे पहुँचे हैं। आप सब लोगों को इकट्ठा किया, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे शराब वराब मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी चलो चाय में सेटल करेंगे। लेकिन जो नहीं, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, लेकिन फिर भी इतना जतन किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम और हम लोग यहाँ पर इसको प्रमोट और सपोर्ट करने आए हैं, तो अगर आप लोगों का भी सपोर्ट और प्रमोट मिलेगा तो अच्छा लगेगा कलाकारों को। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, अगर आपको अच्छा लगे, इतना अच्छा गाया है उन्होंने, राजेश रॉय जी कंपोज करते हैं इतना, तो अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी भाई। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जन्म पत्रियाँ सबकी मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से इस गाने को लेकर? बहुत मीठा गाना है और वो जिस तरह के पहले गाने बनते थे, जैसे बरमंदा सलीलदा और ये रविंद्र संगीत, उस तरह के वो तो रविंद्र संगीत काफ़ी यूज़ करते थे ना एस डी बर्मन साहब, तो वही इसमें खूबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में जब संगीत एकदम ही विचित्र रूप ले चुका है, उसमें इन्होंने ये कोशिश की है कि इस तरह की कंपोजिशन और इस तरह का एक पीसफुल गाना जो कि सुनने में जिसकी रिपीट वैल्यू लगे, जिसको सुन के मन को अच्छा लगे, ऐसा गाना दिया है इन लोगों ने। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा भी जन्म कलकत्ता में हुआ है, तो ये बंगाली लोगों में एक इनके इनकी पूरी पर्सनैलिटी में म्यूज़िक होता ही है, वो बहुत ही निकम्मा बंगाली होगा जिसमें म्यूज़िक ना हो। इनके घर में हारमोनियम होता है, तानपुरा होता है, सरस्वती माँ की पूजा होती है, और ये लोग बड़े म्यूज़िक से एकदम जुड़े हुए लोग हैं, और इनके संगीत में मिठास होती है। सबसे बड़ी बात ये इनकी कंपोजिशन का जो तरीका होता है उसमें आप देखिए कि उसका अंतरास्थाई बड़ा सधा हुआ होता है, ख़ासतौर पर जिनको मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, जैसे आर.डी. बर्मन साहब हैं, सलील चौधरी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो कमाल विचित्र कंपोज़र थे, तो वही एक खुशबू है इस गाने में जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो कि जनता के और कलाकारों के बीच के लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ों को इस पे रोशनी डालनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का भी लोग काम करते हैं। और आप बिलीव करिए कि मैं तो इनकी सिस्टर का गाना पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो प्रीथा के साथ बहुत मेरा लंबा एसोसिएशन रहा है, बिल्कुल इसको प्रीथा को एक गाना गवाया था हमने, और वो गाना ये ऐसा गा के चली गई थी कि उसके बाद डायरेक्टर ने और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं इसको आप डब कर लीजिए, ये है फलाना दिखाना है, फिल्म इंडस्ट्री में 100 किस्म की खिंचाव तनाव चलते हैं आपको पता है, तो वो गाना गवाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। वो सिंगर बहुत बड़ी है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो रस भी नहीं आया, वो गाना भी नहीं आया, और फिर वो बस वो एक ऐसा मन खट्टा हो गया था वो गाने से। और एक गाना मैंने बहुत कोशिश की है कि प्रीथा की गाड़ी पटरी में आ जाए, कि बहुत डिजर्विंग लड़की है,
बहुत 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 ज़्यादा डिजर्विंग लड़की है और बहुत अच्छे फैमिली की है ये। इनके पिताजी बहुत बहुत मैंने सुना बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसको एक गाना गवाया था मैंने, मोहब्बतें एक पिक्चर आई थी हमारी, तो इसमें टाइटल सॉन्ग नहीं था, उसमें एक अजीब सा था, तो एक एकदम फुल फ्लेज टाइटल गाना बनाया था। तो इसी को याद ज़्यादा है, मैं थोड़ा आपको मुखड़ा सुनाता हूँ, बोलने का काम देखिए ये है। अरे बहुत बड़े बड़े, इनको तबले की बहुत जानकारी है, इनको राग रागनी की बहुत जानकारी है और म्यूज़िक की बहुत समझ है, और बहुत जो बात कही वो सारा कुछ इसमें निचोड़ दे दिया, हम तो सिर्फ उसको हल्का फुल्का कर रहे हैं। तो एक गाना था वो राज़े दिल जब जुबां से खुलने लगे, जब सुकून धड़कनों को मिलने लगे, तब नजर से उनकी नजर को मिलने लगे राहतें, यही है मोहब्बतें। तो ये गाना इतना अच्छा लगा सबको, इस टाइम यश जी थे, आदित्य चोपड़ा साहब थे, पैम जी बहुत में फुल फ्लेज म्यूजिक में इन्वॉल्व रहती थी, सबको अच्छा लगा। लेकिन वो बोला कि ये मेरी सिचुएशन में डालूंगा कहाँ, सबको थोड़े थोड़े टुकड़े हैं गाने, पूरा गाना डालूंगा कहाँ इस वजह से, नहीं तो वो गाना आ जाता तो प्रीथा आज शायद हम लोग डेट लेने के लिए आते। बहुत बहुत मैं तो आज भी डेट लेने के लिए। तो और राजेश के बारे में मैं क्या कहूँ, इतना मीठा कंपोजर है, इतना अच्छा सिंगर है और इतनी अच्छी रूदारी है। इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाते हैं। हाँ, इंग्लिश गाने भी बहुत अच्छा गाता। मैं जो भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ तो मैं राजेश को ही बोलता हूँ कि तू मेरा प्रोग्रामिंग कर दे, मुझे और किसी का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। और ये मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है और बहुत ईमानदारी से काम करके देता है। इनकी बहन को बहुत बहुत मुबारक, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ऐसे बैठे हैं और आप सबके सामने, मुझे ऐसे भी बहुत घबराहट हो रही है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं ये मेरे पिलर्स हैं। मैंने गाना सीखा मेरे गुरु दीदी से, श्रुति कन्हा से। मैंने सुना जिनको, जिनके गाने सुन के बड़ी हुई हूँ, उसमें मेरी दीदी है जसविंदर दीदी, और जिनके लिए मैंने स्टेज परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेज पे, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी कुछ सीखा मैंने उससे, तो अनु जी से मैंने सीखा है। मैं उनको दादा कहती हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे पिता समान हैं। और बॉम्बे में फर्स्ट गाना मैंने वास्तव के लिए गाया था, वास्तव फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो जतिन हरी जी हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने इंट्रोड्यूस कराया तो जतिन हरी जी के, जतिन जी। और इन सबके सामने अनु जी ने बहुत बहुत कह दिया, मुश्किल है सबको नमस्कार। मेरे दो बड़े भाई बैठे हैं, अनु जी जो मेरे राखी भाई हैं, और मैं जब नई जब आई थी और पहले मेरे गाने आए और भैया ने मुझे अंताक्षरी में बुलवाया स्पेशली कह के कि इस आवाज़ को बुलवाओ, इनको बुलवाओ, ये कौन है।
तो ऐसे करके हमारी मुलाकात हुई जी, थी। बिल्कुल। और जतिन भैया का तो गाना आप लोगों को पता ही है कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, जतिन और ललित ने वो मुझे गाना दिया प्यार तो होना ही था, जो आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाइयों की कि इन्होंने हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे मेरी पीठ थपथपाई है, प्यार दिया है। उसी तरह मेरे छोटे हैं तो उनमें से प्रथा एक है, राजेश। इनको मैं तब से जानती हूँ जब अन्नू जी के साथ मैंने इनको देखा स्टेज पे, और अन्नू भैया के लिए ये लोग काम करते थे, गाते थे साथ, परफॉर्म करते थे हमारे परफॉर्म करते थे। तो प्रथा तो तभी से मैंने बोला था, प्रथा यू आर वेरी प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा और बहुत अच्छे स्वभाव की बच्ची है। और बस यही है कि जैसे भैया कह रहे थे कि बहुत कम लोग होते हैं जो भाग्य और टैलेंट लेकर आए हों, तो उसमें ठीक है, उसका अपना भाग्य है, उसकी अपनी नीति है, जो प्रारब्ध में वो लेकर आई है वो उसे मिलना ही है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो नहीं मिलना है वो हम दे नहीं सकते हैं। तो मैं ये जो नई काम जो इन्होंने किया है, पहली बात तो बंगाली म्यूज़िक मेरा बड़ा फेवरेट है, बंगाली, और ये रविंद्र संगीत है तो ये तो मैं बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा लगा सुन के। और प्रथा मैं तो इसमें तुम्हें मिस कर रही थी कि दीदी के साथ तुम्हें भी गाना चाहिए था, और बहुत अच्छा लगता। और आई एम श्योर कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगी आगे। और ये इस एल्बम के लिए दीदी को जो है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबादी कि इतने सालों के बाद इन्होंने गाया, और ये एक अच्छी बहन का काम किया इसने कि आपको दोबारा से लेकर आई सामने। और ये राजेश का भी पूरा इसमें सहयोग इसने दिया पूरा, तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा बहुत। और आप लोग सब इन्हें प्यार दीजिए और इनको और सराहना होनी चाहिए इनकी, क्योंकि जो काम ऐसा आता है, अच्छा काम, वो छुप जाता है, वो सामने निकल कर आए तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास करके हम आर्टिस्टों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर दुनिया पूरी अच्छी चीज़ सुनने लगेगी तो पूरे माहौल, पूरे ब्रह्मांड में इसका एक और ही असर हो जाएगा, अच्छे संगीत का और असर होगा, उससे कितनी चीज़ें क्योर होंगी ये शायद लोग नहीं जानते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी प्यारी बहन के लिए, प्रथा के लिए, ये दूसरी बहन मिल गई इनके लिए, और राजेश तुम्हें भी, तुम्हारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। क्या क्या इसमें मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और ये गाना तो मुझे फिर वापस आ रही हूँ मैं, क्योंकि आफ्टर 35 इयर्स ये गाना मैंने गाया। और मैं जैसे प्रीथा को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और गाने में भी लाई थी, तो आज ऐसा लग रहा है मैं छोटी हो गई और प्रीथा मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे लेना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और सही बात है, ऑडियंस को अगर अच्छा लगे, मैं कोशिश किया, क्योंकि अभी छूट गया मुझसे गाना, बहुत पहले जो मैं थी वो दिखा नहीं पाई, और इतने दिनों के बाद थोड़ा सा तो डर लगता है। बहुत सारे बच्चों अब आजकल गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उधर तो सच ही मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं तब अगर मेरा इतना चांस मिलता, मैं कोई मुझे लेके करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो नसीब के बात था और नहीं हुआ। और मेरी गलती भी नहीं थी कि मैंने अचानक बंद कर दिया गाना, ये नहीं था। मैं 10-12 घंटा प्रैक्टिस करती थी, एक दिन अचानक मेरे गले से गाना बंद हो गया प्रैक्टिस करते हुआ। तब बहुत रोई थी, क्योंकि डॉक्टर लोग ने बोला कि मैं गा नहीं सकती, बात भी नहीं करूँगी मैं किसी से। तो वो मुझे
मुझे लग रहा था मैं मर चुकी हूँ, मेरा सिर्फ शरीर ही है, कुछ भी नहीं है। तो गाना बंद हो गया था, तो अभी प्रीता मेरे लिए, पता नहीं वो सोचती है कि दीदी को कुछ करना है और दीदी कुछ करेगी तो उसको अच्छा लगेगा, और मैं दूसरी तरह से चाहती हूँ वो कुछ करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ऑडियंस को, सबको बोलना चाहती हूँ, अगर थोड़ा बहुत जितना मुझसे हुआ मैंने किया, और एक है जिसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, राजेश जी, उसका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं उन लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं कुछ। ये जब ये गाना गाया तब भी मैं सोच रही थी उससे और नहीं हो पाएगा, जो छूट गया और नहीं होता, लेकिन ये दोनों ने मुझे बोला नहीं दीदी सब कुछ है, अभी भी है, आप तुम्हारे अंदर जो है वो सबके सामने लाओ। तो पता नहीं सबको कैसा लगेगा, लेकिन मेरे सचमुच मेरे अंदर जो था वो ही मैंने कोशिश की बाहर लाने के लिए। अभी आप लोगों के हाथ में है और ऊपर अलग के हाथ में है, उन्होंने जो चाहेंगे ऐसा ही होगा। मैम एक फिल्म के लिए आपकी वॉइस सिलेक्ट हुई, अगर उसके बारे में कुछ आप, मैं बिया चोपड़ा की वहाँ मेरा कैसेट भेजा था, तो कैसेट सिलेक्ट भी हो गया था, मुझे कलकत्ता से आने इधर ही आना था मुंबई में, तब मैं कलकत्ता में रहती थी, तो मैंने बोला कि मैंने बोला नहीं दिन अचानक, तब तो प्रैक्टिस चालू ही था मेरा, तो तब जब गाना मैं स्टार्ट किया तो अचानक सुबह जब प्रैक्टिस कर रही थी तानपुरा में तो गला पूरा चला गया था। तो शायद भगवान कुछ, मैं हम कुछ चाहते थे और भगवान ने कुछ चाहा, इसलिए मेरा गाना स्टॉप हो गया था, तो वो तो मेरी नसीब की बात थी और भगवान ने कुछ चाहा था, ऐसा ही हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप खुद गाने में फीचर कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस था और वगैरह, एक एक करके बताना। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, और प्रीता और राजेश और दीदी जो हैं ये प्रैक्टिकली परिवार हैं मेरे लिए, तो इनको तो मैं कभी ना कर ही नहीं सकता। जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आया था मैं बहुत ज़्यादा मसरूर था, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सीरियल की भी शूटिंग चल रही थी, और तबीयत कुछ नासाज सी थी मेरी, तो शूटिंग के चार दिन पहले मैंने राजेश को फ़ोन करके बोला कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कैमरे में अच्छा नहीं लगूंगा। तो राजेश ऑब्वियसली और फिर काफ़ी मतलब बस खाली चाकू लेके काटना पड़ता था, तो मैं कहा चलो ठीक है आ जाता हूँ। जहाँ तक संगीत का सवाल है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता लेकिन मैं जब बॉम्बे आया था बहुत साल पहले, 94-95 की बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल एक तो नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिलसिले में आया था और मैं प्लेबैक करना चाहता था, और शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जहाँ पे मैं नहीं गया, और आज देखिए इतने साल बाद, 30 साल बाद, क्या इत्तेफाक है, आज मैंने उस शख्स के साथ ये मंच शेयर किया, जतिन जी की बात कर रहा हूँ, जिनके ऑफिस में पहुँचने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद थी, और आप 90 का दशक याद करके देखिए कि वो उस वक्त क्या थे। तो जब उनकी जोड़ी टूटी तो फिर मेरा भी थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि बेसिकली मैं जो था, मैं ज़रा पंचम घराने से हूँ, मैं ज़रा आरडी बर्मन के घराने से हूँ, तो और जतिन रवि तो द लास्ट यू नो ग्रुप जिन्होंने उनके उस मेलेडी को कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद से कोई आया नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक्टिंग की गाड़ी चल रही है, एक्टिंग ही करते रहते, उसके बाद से मैंने प्रोफेशनली कभी गाने का सोचा भी नहीं, गाया भी नहीं, अब कभी कभी धूल लगा के गा लेता हूँ दोस्तों के साथ, वो बात अलग है। इसमें काम करके बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज
बहुत जल्दी जल्दी हमने काम ख़त्म किया, एक दो डेट्स के इशू थे, मैं एक शूट से आया था, आधा दिन दिया हुआ था, उसी आधे दिन में ख़त्म करके काम करना था। तो और वहाँ पे ये मेरी ब्यूटीफुल को एक्ट्रेस मिली मुझे सुलंदा, तो जितना अच्छा काम इन्होंने पढ़ते पे किया है, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उतना ही अच्छा ये लिखती हैं, लेखन का भी बहुत बढ़िया हाथ है इनका, तो इनके साथ काम करके मज़ा लगा। जो डायरेक्टर साहब हैं ये भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और अफसोस कि उसके बाद से हम अभी तक तो काम नहीं कर पाए, पता नहीं कहीं और कर रहे होंगे, हमें तो कराया नहीं। हमारे सीनियर एक्टिंग में तो सीनियर हैं ही, और मित्र, और इनके साथ हमने बहुत सारे प्राइवेट रोल्स वगैरह किए हैं, अदरवाइज ज़ाती तौर पर मुलाकात होती नहीं क्योंकि ये भी मसरूफ रहते हैं, हम भी अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। बहरहाल रहा सवाल प्रोजेक्ट का, तो इसमें काम करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली मुबारकबाद दीदी को कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगाज़ है, अंजाम तो बहुत दूर है, और था कि जो कंपनी इन्होंने बनाई है ओम एन बी एम बेसिकली, ये मार्क माई वर्ड्स, आप देखिए कैसे दिन दुनी राज होगी, तरक्की करती है, और कितनी खूबसूरत प्रोजेक्ट्स इस बैनर के तरीके से, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, बस सिर्फ वक्त की देरी है, बाकी एवरीथिंग दे हैव एवरीथिंग, और माय यू नो बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम, एंड आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी टू बी हियर इन मिड्स ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर, थैंक यू। सो मैं तो ये पहले बोलना चाहूँगा कि सबसे कम अगर किसी ने काम किया तो शायद इस प्रोजेक्ट में मैंने किया, बिकॉज एक्टिंग के लिए इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, मुझे उनको ज़्यादा काम कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, मुझे बस जस्ट सिचुएशन समझाना पड़ा और हो गया। सबसे कमेंडेबल मैं बोलूँगा दीदी को, उन्होंने इतना अच्छा किया, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना, इनफैक्ट उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, और उनके लिए बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि जो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आया। एक्सपीरियंस इस फिल्म का तो बहुत अच्छा था, इस म्यूज़िक वीडियो का अच्छा था, हम लोग बहुत दिनों से मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी हम लोग एक फिल्म करते हैं, वी टेक बैक अ स्टोरी विद अस, वी टेक बैक मेमोरीज विद अस। सो इस फिल्म का और इसमें बहुत सारे मेमोरीज है, जैसे राइट फ्रॉम लोकेशन हम लोग का ढूंढना, हम लोग बहुत जगह में गए, कैसे कैसे लोकेशन ढूंढे, स्टूडियोज ढूंढे, हम लोग ने सब कुछ किया, और इस फिल्म अभी यहाँ तक आया, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी, एंड ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी ये अच्छा निकल गया है। म्यूज़िक के बारे में तो ऑलरेडी अभी इतने सारे दिग्गज हैं, उन्होंने कह दिया, तो मैं गुस्ताखी नहीं करूँगी म्यूज़िक के बारे में कहने का। और ये गाना, जैसा कि कहा दीदी ने, कि ये रविंद्र संगीत है, और जब मुझे एक्चुअली मैं राजेश सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उन्होंने जब बुलाया इस म्यूज़िक वीडियो के लिए, जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि म्यूज़िक वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक तो वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस कहानी से हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पड़ाव पे अपनी इच्छाओं को त्यागा है, चाहे खासकर लड़कियां करती ही है, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, पति के लिए, पर ज़िंदगी में फिर एक ऐसा कोई वक्त आता है जब आप चुनते हो कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर जब मैंने दीदी के बारे में सुना, स्मृति दीदी के बारे में, एंड आई वाज लाइक सीरियसली, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, इफ़ शी कैन रीस्टार्ट अगेन, देन आई मीन इट वुड बी एन ऑनर टू डू दिस रोल। तो ये आई रियली होप कि आप सबको भी इंस्पिरेशन मिले ये वीडियो देख के, और गाना तो ऑफकोर्स रविंद्र संगीत है, तो जिस तरह से हमने इस कहानी को इस गाने के साथ ढाला है, आई थिंक ग्रेट वर्क बाय डायरेक्टर साहब, कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको पिरो के निकाला है, और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला इसका हिस्सा होने का। लेकिन कोई भी मेहनत कभी भी अपने मुकाम पर तब तक नहीं पहुंच सकती आज के ज़माने में, जब तक वो डिजिटली रॉक ना करे। तो आप सबको यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगी
प्रिथा दीदी ने अपने मम्मी पापा के नाम से नया चैनल स्टार्ट किया है NBM. आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भर भर के प्यार दीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके पहुँचाइए. माना ये बंगाली सॉन्ग है लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, और अगर ये कहानी छू सकती है तो किसी भी भाषा में छू सकती है, और ये कहानी ऐसी है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है. तो खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो, पता नहीं और क्या क्या करते हैं आजकल, जो सब भी करते हैं वो सब कीजिए, और इस गाने को इतना ज़्यादा फेमस कर दीजिए कि हमें और मोटिवेशन मिले, और प्रिथा दी इसके बाद मुझे और 10 गाने में काम दे. बहुत अच्छा है म्यूजिक वीडियो, देखा मैंने अभी, देखा आज ही देखा पहली बार. बहुत खूबसूरत है. सो पहले मैं सोच रहा था कोई पूछेगा कि आप यहाँ कैसे, आपके तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जब मुझे अप्रोच किया इन लोगों ने मुझे अप्रोच ही नहीं किया. नो, प्रथा और राजेश बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, और इत्तेफाकन हम लोग नेबर्स भी हैं, तो पर वही है कि बॉम्बे में मुलाकात बिल्डिंग में कम होती है, आते जाते ज़्यादा होती है. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इस बहाने मुलाकात होगी. ठीक है, मैंने इनवाइट लास्ट फंक्शन के लिए भी किया था, लेकिन मैं शूटिंग पे लेट हो गया था, सॉरी. सो वेरी नाइस वीडियो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, गाया बहुत अच्छा है स्मृति जी ने, और म्यूजिक अच्छा है, आप लोगों का काम भी अच्छा है, तो सब अच्छा है. वेरी वेरी टेस्टफुली शॉट, ऑनेस्टली वेरी टेस्टफुली शॉट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो, फिर मैं भी दिखूंगा, कोई मेरा भी ऐसे वीडियो पब्लिक करेगा कल को, है ना? हाँ, जरूर, बिल्कुल, मेरा भी कुछ हो जाएगा जिंदगी में. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज आए, सबने अप्रिशिएट किया गाने को, क्या कहना चाहेंगे, और भी चीजें आपसे जानना चाहूंगा. NBM जो आपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या रीजन था ये नाम रखने के पीछे. पहली बात तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे और इतने अच्छे उन्होंने विशेष हमारे सबके लिए दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो आए यहाँ पे. और हाँ, कि मैं हमेशा ये मैं मतलब बिलीव करती हूँ कि अच्छा काम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सराहा जाता है, और उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रयास की ज़रूरत है, वो ये हमारी प्रयास है. और जैसे कि सब लोगों ने कहा, आपके बिना हम मतलब बाकी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे हैं, और आप लोगों को भी ये अगर अच्छा लग रहा है तो आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है. ये है. और दूसरी बात ये है कि हाँ, NBM प्रोडक्शन का नाम इसके लिए है, हमारे जो भी सिबलिंग्स हैं, हम लोग हमारे जो पिता माता जी जो हैं पेरेंट्स, वो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड थे और बहुत बहुत पसंद करते थे कि आप भी कुछ सीखो, आप भी आगे चल के कुछ म्यूज़िक में कुछ करो. तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जो लेगेसी है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है. और आप लोग जानते होंगे, इन लोगों ने भी काफ़ी कहा है इस बारे में कि जर्नी बहुत उबड़ खबड़ रास्ते पे होकर जाते हैं, सब जो भी नए न्यू कमर्स आते हैं सबके साथ होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. लेकिन इतने सालों का जो तजुर्बा हम लोगों ने इकट्ठा करते हैं, अगर वो चीज़ दूसरे लोगों के लिए हेल्प नहीं होता है तो ये तजुर्बे का कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं है. मैंने जो सीखा है, मुझे जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, आज इतने सालों के बाद मैं कह सकती हूँ ना, ये इस तरीके से चलते शायद ये ठीक होता. तो मैं चाहती हूँ कि आगे के जो भी ऐसे कोई टैलेंट है, जिनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन लाइमलाइट पे आ नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम उस तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी. मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आएँ, हमारे साथ रहें, और मेरे से जितना हो पाएगा, अपने प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगी. और ये एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप भूखा हैं तो आपको जो भी खाना दिया जाएगा ना, आप वही खाएंगे. अगर आपको अच्छा खाना दिया जाएगा तो आप अच्छा, बहुत अच्छे से खाओगे, वो हेल्दी होगा. अगर गंदा मतलब समोसा और स्ट्रीट फूड कुछ भी दे देंगे, वो भी आपको काम आएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा. मेरा काम ये है कि हेल्दी फूड जो हंग्री है वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जाए चीज़,
और अच्छी म्यूज़िक सबके कान में अच्छी चीज़ें जाए, अच्छे तरीके से जाए और अच्छी चीज़ को सराहा जाए। देखिए ये भी आप सबके लिए अचानक से ही आया, राइट? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है, काफ़ी सारे रो पे है कि एक के बाद एक आने ही वाले हैं और उड़ान तो बहुत ऊपर तक भरने की ख्वाहिश है। देखिए कहाँ तक जाते हैं और आपके जब भी कुछ भी होगा आप तो सब, मुझे लगता है कि आप लोग तो लूप पे रहोगे, आपको तो सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखिए वेट करते हैं और प्रे करते हैं कि अच्छे काम आ जाए। आप इतना अच्छा गाते हैं, आपको सुनने का मौका कब मिलेगा? मुझे तो आप लोगों ने सुना ही है लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसे पूछा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि काफ़ी जगह पे मेरे गाने मैं खुद ही सुनती हूँ, मैं बाजू में से निकल जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता क्योंकि ऐसे कोई कभी मेरा चेहरा देखा ही नहीं है। मेरे गाने फेमस है लेकिन मैं फेमस नहीं हूँ, मेरा चेहरा फेमस नहीं है। हाँ ये रही मतलब बहुत ज़माने पहले की बात बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने मोहब्बतें वास्तव ज़ारा ऐसे सारे फिल्मों में गाए हैं। और ये जो प्रोडक्शन हाउस है इसका काम यही है कि अच्छा कुछ हो वो आप तक लाएं, तो मैं भी कोशिश करूँगी इसमें अगर कभी कभार मेरा भी कुछ काम अच्छा हो तो मैं उसमें भी ज़रूर इसके थ्रू रिलीज करना चाहूँगी। क्या इन लोगों ने आपको भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कैसे लोग हैं यार? राजेश सर आपसे मैं इनका भी सवाल का एक्चुअली थोड़ा बहुत जवाब यही देने वाला था एक्चुअली कि यही बात कि प्रीथा के बारे में एक्चुअली बहुत कम ही लोग जानते हैं क्योंकि उसके गाने जो है बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। एक तो मतलब सुपर हिट गाना था वास्तव में जवानी से अब जंग होने लगी, तो उस गाने से एक्चुअली कश्मीर आशा रियली शॉट टू फेम दैट वन सॉन्ग। मोहब्बत फिल्म में चार गाने हैं उसके, फिर मेरी याद की शादी से लेके बहुत सारी फिल्मों में दिल दिल प्यार प्यार। तो हमेशा से मैंने ये सोचा है कि प्रीथा तो जितना डिजर्व करती है मतलब उसका आधा क्या फ्रैक्शन भी नहीं मिला उसको, और ऊपर से प्रीथा की जो गुरु है, प्रीथा की फर्स्ट गुरु जो दीदी है स्मृति दीदी, दीदी के लिए फर्स्ट टाइम प्रीथा कुछ करने जा रही थी, तो ये तो मतलब मैंने सोचा कि ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया सोच ही बहुत बहुत बढ़िया थी। तो पहले ऑब्वियसली म्यूज़िक प्रोडक्शन से लेके दीदी के लिए इतना करना तो मतलब फर्ज से भी ज़्यादा था मेरे लिए, और उसके बाद जितना हो सके शूटिंग में मतलब बस थोड़ी बहुत मैं सपोर्ट था, हेल्प तो नहीं बट एंड फिर थोड़ा स्पेशल पोस्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजिंग एंड उसमें जितना मैं हो सके एज मच एज आई कुड हेल्प आई डिड माय बेस्ट। सो वी आर प्रेइंग नाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, आप लोगों पर सब कुछ डिपेंडेंट है। एंड जो बोल रही थी सुलगना थोड़ी देर पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब बेल बटन हाँ तो ये सब वो करें, घंटी बजाइए जितने आप घंटी बजाएंगे उतने हम गाने बनाएंगे। हमारा काम हो गया, अभी बाकी आप लोगों के और भगवान के हाथ में। नहीं और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो कास्ट और क्रू है जो कि ये जो फिल्म है अपनी शॉर्ट फिल्म है आपने देखा होगा इसमें डायलॉग्स एक्चुअली है नहीं, तो जैसे कि इन्होंने भी कहा है कि एक डायलॉग है मेरा इट्स लाइक भारी आवाज में एनीवेज। तो ये जो फिल्म का जो भले ही ये बांग्ला गाना है बांग्ला है लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से उसका पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि किसी भी लैंग्वेज में जाएं वो सिर्फ उनके एक्टिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों तक वो पहुंच पाए इजीली। तो मैं इसके लिए बहुत 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 खुश हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने फील्ड में बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और इन्होंने सच में मुझे बहुत कोऑपरेट किया। कोई एक नया प्रोडक्शन हाउस जब लॉन्च होने जाता है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि पता नहीं ये आगे चल के रिलीज़ भी होगा या ऐसे डब्बा बंद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं है। मुझे फुल हार्टेड एकदम सपोर्ट